जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदमताल मिलाने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन NSUY का इंचार्ज बना दिया है। लंबे समय से उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं भी थी, लेकिन अब उन्हें छात्रों के बीच काम करने के लिए कहा गया है, जिसका उनके पास पुराना अनुभव है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार को दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए कई सीनियर नेता इसके पक्ष में नहीं थे। माना जा रहा है कि यह फैसला उनके अनुभव और वरिष्ठ नेताओं की सहमति के आधार पर लिया गया है। पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कन्हैया कुमार को NSUY इंचार्ज बनाने की जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा गया है, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कन्हैया कुमार को NSUY का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर वामपंथी दल CPI का हिस्सा बन गए थे। हालांकि वहां भी उनके मतभेद हो गए और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फरवरी 2016 में जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी, 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में कन्हैया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 2 मार्च 2016 में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्र विरोधी नारों में भाग लेने का पुलिस कन्हैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सकी और मामले की जांच अभी भी चल रही है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया CPI में रह चुके हैं और वह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस चुनाव में कन्हैया 4 लाख से अधिक वोटों से हार गए थे। हालांकि साल 2021 में कन्हैया CPI छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। गौरतलब है, कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 2021 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा था कि यदि देश को बचाना है तो फिर कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है, इसी मकसद से मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक बड़े जहाज की तरह है, तो फिर देश में अन्य तमाम क्षेत्रीय दल भी बच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बिना ऐसा संभव नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।